Hello everybody. Today's topic present continuous. Improve this tense. देखिए present जो continuous tense है simply हमें पता है इसका special जो rule होते हैं इसको improve हम कैसे करें वो आज हम जानने का प्रयास करेंगे. उससे पहले हम जो simply इसका use होता है वो देखते हैं. present continuous इसकी जो पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं आदि. rule है सिंपल जो सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ इज का यूज होता है, आई के साथ एम, वी यू दे एम प्लूरल नाउन के साथ आर का यूज होता है. सिंपल या अफर्मेटिव बोलते हैं हम इस पैटर्न को. नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी. ये जो स्ट्रक्चर है ये नेगेटिव के लिए रहेगा. इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर रहेगा. इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर या पैटर्न रहेगा. इस प्रजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ क्या रिलेशन है, कैसे हम इसको इम्प्रूव करेंगे वो हम जानते हैं. उससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी जान लेते हैं कि इसका यूज किस प्रकार से किया जाता है. इसकी जो पहचान है ता है, ती है, ते है आदि. रूल है फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जो पैटर्न बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस. हमें पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज होती है और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज कहाँ होता है. जब हम इस टेंस को डिटेल से पढ़ेंगे वह हम जानने का प्रयास करेंगे. नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. देखिए यहाँ पर नेगेटिव में एस ई एस का यूज नहीं होगा, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी. आई वी यू दे एम प्लूरल नाउन के साथ डू का यूज, ही सी इट एम सिंगुलर नाउन के साथ डज का हम यूज करते हैं. इंटरोगेटिव में जो पैटर्न बनेगा डू या डज पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क. इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए जो पैटर्न बनेगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क. तो ये दोनों टेंस हमने जाने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट. अब स्पेशल जो रूल है इसका वो हम जानने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इस टेंस को इम्प्रूव करने में हमारी मदद करता है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पहचान हमें पता ही है, रहा है, रही है, रहे हैं. देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस टू टाइप्स में यूज होता है. फर्स्ट है वन टाइम, सेकंड है रेगुलर. देखिए इस टेंस का यूज वन टाइम के लिए हम करते हैं तो सेंटेंस हमें दिखाई दे रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, लेकिन यूज जब हम करेंगे इसको देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो यूज है अभी हमने देखा कि टू टाइप्स इसका यूज है, वन टाइम और रेगुलर. मैं पढ़ रहा हूँ, आई रीड रेगुलर, यानी कि रेगुलर उस कार्य को किया जाता है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस सेंटेंस को जो हमें कॉन्टिन्यूस में दिख रहा है उसका यूज करते हैं. रेगुलर मतलब डेली उस कार्य को किया जा रहा है. जैसे कोई किसी से पूछ रहा है भाई क्या कर रहे हो, तो वो बोल रहा है मैं पढ़ रहा हूँ. तो ये कार्य वो डेली करता है इसलिए इसका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा. इधर हम देखिए मैं पढ़ रहा हूँ वन टाइम, जब किसी ने किसी से पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो, यानी कि वो उस समय उसके घर पे गया है और या कहीं पर मिला है तो उससे पूछा कि वो उस समय क्या करता है, तो वो बोल रहा है कि आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ उस समय, पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है. नेक्स्ट वह खेल रहा है, ही प्लेज रेगुलर, डेली उस कार्य